एक बार त्रेता युग माही ओ संभ गए कुंभज दिसी पाही। त्रेता युग में एक बार अगस्त ऋषि के आश्रम पर भगवान शिव माता सती कथा सुनने आए। कहां से कथा हो रही है? नीचे, और शिव जी का वास है ऊपर कैलाश पर। शिव जी का वास है कैलाश पर, इसलिए शिव जी कथा सुनने के लिए कैलाश पर्वत से उतर करके नीचे आए। कहां? संभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे दिसी अखिलेश्वर जानी। गोदावरी के किनारे अगस्त ऋषि के आश्रम पर भगवान शिव और माता सती कथा सुनने के लिए। जब अगस्त ऋषि के यहां आए, ऋषि ने पूजन किया, भगवान शिव जी पूजन किया। शिव जी ने साथ, शिव जी ने एक ही बात, आज शिव जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, अगस्त ऋषि मैं महाराज राम कथा सुनने को आया। शिव जी ने ये तो नहीं कहा कैसे पुराण सुना दो भाई। अगस्त जी तो शिवपुराण भी सुनाने में माहिर, शिवपुराण सुनाने में कम नहीं। लेकिन क्या होता है, अपनी चर्चा सुनने से अपना पुण्य नाश होता है। हाँ, अपनी बड़ाई करने से और दूसरे की निंदा करने से अपना पुण्य नष्ट होता है। इसलिए कभी अपनी बड़ाई ना करो और दूसरे की निंदा मत करो। अपनी स्वयं की चर्चा करने से पुण्य नाश होता है। इस सनातन संस्कृति के दो पाप हैं, पहला पाप स्वयं का गुणगान और दूसरा पाप पर निंदा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, और पर निंदा सम अघे नगरीसा। तो बंधु, राम कथा में कथा सुनने का तरीका दर्शाया गया है। आज भगवान भोलेनाथ शिव जी कैलाश पर्वत से उतर कर के नीचे आए गोदावरी के किनारे, कथा श्रवण हेतु नीचे उतर कर आए कथा सुनने के लिए। इसलिए कथा राम जी की कथा है। कथा तो बड़े प्रेम से सुनना चाहिए, बड़े प्रेम से। भगवान शिव जी बैठे, आदि शक्ति जगत जननी मां सती भी बैठी, सती जी बैठी। भगवान शिव जी बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं। भाई एक बात है ना, कथा कहने वाले से सुनने वाला अधिक धन्य होता है। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, शिव जी कहते हैं, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं। शिव जी कहते हैं कि कथा सुनने वाला अधिक धन्य होता है कहने वाले से। इसीलिए तो पहला नंबर श्रोता का आता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। जब श्रोता सुनने वाला नहीं होगा तो वक्ता क्या करेगा? भाई सुनने वाला कोई होगा ही नहीं तो वक्ता क्या करेगा? ये शिव जी का भाव है। जब पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि महाराज मुझे राम कथा सुनाइए, तो शिव जी ने राम कथा बाद में सुनाई, लेकिन माता की प्रशंसा पहले कर दी। धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को बेकार। हे पार्वती, हे गिरिराज की पुत्री, तुम्हें धन्य है। क्यों धन्य है? इसलिए धन्य है कि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग, पूछे
जय हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। ये तो सारे संसार की गंगा है। पार्वती, तुमने भगवान राम की कथा पूछी, और कलयुग में वो जीव बड़ा धन्य होता है जो कथा की रचना बना दी। कथा कहने वाला कहीं है, सुनने वाला कहीं है, और जो इन दोनों को जोड़ दे, इनको पुल बना दे, श्रोता और वक्ता को इकट्ठा कर दे, वो जीव साधारण नहीं होता। यहां जो कथा हो रही है, कैसे भी माध्यम से हो, लेकिन माध्यम तो कुछ ना कुछ है, बिना माध्यम के तो कुछ होता नहीं। तो वो जीव बड़ा धन्य होता है। धन्यास्ते कृतना पिबंती सततम श्री राम नाम अमृतम। जिसने राम नाम अमृत के पीने की योजना बना दी हो, कथा की जो योजना बना दे, वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। जिस पर उसी की कृपा होगी वही हो पाएगा। सोई जाने जिए देव जनाई, और जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई। बड़े प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं भोलेनाथ जी, संग में माता सती है, अगस्त ऋषि सुंदर राम कथा बखान कर रहे हैं। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखाने, सुनी महे निरगारे, सुनी महेश परम सुखमा, राम कथा मुनि वर्ज बखाने, सुनी महेश परम सुखमा, सुनी महेश परम सुखमा, सुनी महेश परम सुखमा। शंकर भगवान की जय। तो बंधुओं, राम जी भी कहते हैं कि शिव द्रोही ममदास कहावा सो नर मोहे सपने होने भावा। अगर शिव जी कथा सुनते हैं तो राम की सुनते हैं, क्योंकि इनका नाम है रामेश्वर, राम धन ईश्वर। राम जिनके ईश्वर हैं वो है शिव, और राम के जो ईश्वर हैं वो है शिव। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। शिवजी ने कथा सुनी, सती माता साथ में बैठी तो रही, लेकिन कथा नहीं सुनी। क्योंकि एक बात ध्यान करना, अपने शास्त्रों पर
अपने शास्त्रों पर, अपने भगवान पर, अपने परिवार के बुजुर्गों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। परिवार के बुजुर्गों पर, दादा बब्बा उनके बुजुर्गों पर, भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए। इसी के अनुरूप है आज की कथा। शिव जी ने कथा सुनी लेकिन माता सती ने कथा नहीं सुनी। अब क्यों नहीं सुनी? माताजी जाने, पिताजी जाने, भाई मैं तो इस बात पर टिप्पणी कर नहीं सकता, मैं क्या कहूंगा। सुनी ना सुनी। और जैसे दक्षिणा भेंट करके वहां से कथा सुनने के पश्चात चले, यहां दंडकारण्य में राम जी का दर्शन हो गया। उस समय सीता हरण हो गया था, राम जी ढूंढ रहे थे सीता जी। भगवान शिव जी निकले तो शिव जी ने दूर से ही सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर लिया। सच्चिदानंद, जब सच्चिदानंद परमात्मा परमेश्वर प्रभु की जय हो और दूर से प्रणाम कर लिया, ध्यान रखना भगवान की जो लीला है उसी को प्रणाम करना चाहिए। लीला में कभी बुद्धि का प्रवेश नहीं होने देना, क्योंकि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी मत हमार अस सुनिय सयानी। राम जी बुद्धि मन वाणी से अतर्क हैं। अब जैसे ही शिव जी ने प्रणाम किया, सती जी को बड़ा संशय हो कि सारे संसार के लोग हमारे पति को भगवान कहते हैं, आज हमारे पति ने ना भगवान कह दिया, जो एक नारी के वियोग में मारे मारे फिर रहे इन्हें सच्चिदानंद कह दिया। अब सती को संशय हो गया कि भगवान ये है कि भगवान वो है, भक्त ये है या भक्त वो। जब शिव जी ने कह दिया जय सच्चिदानंद जग पावन, वो अस कहे चले मनोज नसावन। अब यहां सती जी को बड़ी चिंता हुई, ये भगवान है या वो भगवान, सारी दुनिया मेरे पति को भगवान कहती है और आज इनने इनसे भगवान कह दिया। नर के नर सुर असुर सभी ये काम करते हैं, मेरे पिया को झुक कर सभी प्रणाम करते हैं। आज पिया ने क्यों ऐसा काम किया है, सच्चिदानंद कह करके इन्हें प्रणाम किया है, इन्हें प्रणाम किया है, इन्हें प्रणाम किया है। आज पिया ने क्यों ऐसा काम किया है, सच्चिदानंद कह करके इन्हें प्रणाम किया है, इन्हें प्रणाम किया है, इन्हें प्रणाम किया है। ए भक्त है या भगवान हो, सोच रही है माता सती, अब हमारे पति भक्त हैं या भगवान है, बड़ा संदेह हो रहा है। और मैं कह रहा हूं अपने शास्त्रों पर, अपने बुजुर्गों पर, अपने भगवान पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, उसका प्रणाम बड़ा उल्टा होता है। ए भक्त है या भगवान ये निर्णय कौन करे, जब दोनों है श्रीमान तो निर्णय कौन करे, दोनों है श्रीमान तो निर्णय कौन करे, जब दोनों है श्रीमान तो निर्णय कौन करे, संदेह केवल किस बात पर हो गया? शिव जी ने प्रणाम कर लिया। नर के नर सुर असुर सभी ये काम करते हैं,
मेरे पिया को झुक कर सभी प्रणाम करते हैं। आज पिया ने क्यों ऐसा काम किया है, सच्चिदानंद कह करके इन्हें प्रणाम किया है, इन्हें प्रणाम किया है, इन्हें सती जी को समस्या हो गई। ए भक्त या भगवान हो, ए भक्त या भगवान, ये निर्णय कौन करे? कौन बता सकता है कौन बड़े हैं? जब दोनों हैं श्रीमान तो निर्णय कौन करे? जब दोनों राघव सरकार की जय। शिव जी ने बहुत समझाया लेकिन सती की समझ में नहीं आई। ध्यान करना, समझाते भी वही हैं और ना समझने की गति भी वही देते। वो ही समझाते हैं भाई, किसी किसी को थोड़े से में समझ में आ जाता है, जरा सी बात समझा दो उसे समझ में आ जाएगा, और किसी किसी का जीवन निकल जाता है समझ में नहीं आता है ना? आज शिव जी ने कह दिया मां की समझ में नहीं आई। शिव जी ने कहा सती जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा, तब लग बैठ अहो बट छाही, और जब लगे तुम ए हो मोहि पाही। अगर सती तुम्हें अपने मन में संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा ले लो ना। और जब सती जी, मैं तब तक यहीं बट वृक्ष के नीचे बैठता हूं, और जब सती जी परीक्षा लेने के लिए जाने लगी, जब सती जी निकली, आज भगवान शिव जी ने सती का भार ब्रह्मा जी पर सौंप दिया। परीक्षा लेने जा रही, विवेक पूर्वक परीक्षा करना, कोई चूक ना हो जाए। और जब सती गई, कह दिया शिव जी ने, हो यही सोई जो राम रच राखा को कर तर्क बड़ा, हो यही सोई जो राम रच राखा को कर तर्क बड़ा, हो यही सोई जो राम रच राखा सोई जो राम रच राखा को कर तर्क बड़ा, हो यह सोई जो राम रच राखा को कर तर्क बड़ा बेताखा, हो यह सोई जो राम रच राखा को कर तर्क बड़ा बेताखा। अस कहे लगे, अस कहे लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धाम,